नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में चलने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको इस क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, आपको बताना है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए लॉरेंस, ऑप्शन बी लवासो निकोलस, ऑप्शन सी लेवासिए, ऑप्शन डी हेनरी बेसमर। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, लॉरेंस को कहा जाता है कि लवासो को या लेवासिए को या हेनरी बेसमर को। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के दौरान सिर्फ आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे और आपको उसी में अपने आंसर को बताना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और आपको लास्ट में बताना है कमेंट के माध्यम से कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी लेवासिए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए भारी जल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी जल। जल जो है दोस्तों वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए संघनन, ऑप्शन बी हिमांक, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी डी भाप आसवन। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में गैस बन जाते हैं इसे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के तहत जो पदार्थ गर्म करने पर वो ठोस रूप से गैस बन जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि वायु क्या है, मतलब वायु क्या है। आपके ऑप्शन है ए मिश्रण है, या बी तत्व है, या सी कोई यौगिक है, या डी अपरूप है। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, वायु क्या है, मिश्रण है, तत्व है, या यौगिक है, या अपरूप है। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए मिश्रण, जो वायु है एक मिश्रण है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए रूस, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, जो रसायन विज्ञान है उसका जन्म कहाँ माना जाता है। बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में सही बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी मिस्र। मिस्र को हम रसायन विज्ञान का जन्म मानते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। आपके ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, 6 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा। बताइए दोस्तों कौन है एक जो अस्थायी कण है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है वो एक अस्थायी कण है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा फिर इसका आप जवाब दीजिएगा, आप गलत ऑप्शन मत टिक कीजिएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा और तब इसका आंसर आप दीजिएगा कि वह पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, भौतिक रासायनिक विधियों से उसे दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से उसे बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी तत्व। तत्व एक है जिसे हम भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो उसे अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है दो से, और ना ही उसे सरल पदार्थ के योग से बनाया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों आपको बताना है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है। बताइए दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है। ऑप्शन ए है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी प्लाज्मा या ऑप्शन डी मेटल। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। जो पदार्थ है उसकी पांचवी अवस्था क्या है, गैस है कि बोस आइंस्टाइन है या फिर प्लाज्मा है या मेटल है। बताइए इसमें दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। आपके ऑप्शन है ए गैस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी प्लाज्मा या ऑप्शन डी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों इसके पहले आपको बताना था कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, अब आपको बताना है दोस्तों कि चौथी अवस्था क्या है। दोस्तों हमें कमेंट में आप ये भी बताइए कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं और कौन सी हैं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है दोस्तों कि वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप में दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए तत्व, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी कार्बनिक पदार्थ या ऑप्शन डी यौगिक। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। आपको बताना है कि वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी यौगिक, उसे हम यौगिक कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी क्वांटम संख्या, ऑप्शन सी परमाणु संख्या या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम क्या कहते हैं। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के गुणनफल के योगफल को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि जैव पदार्थ तथा जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जैव पदार्थ तथा जीवधारियों में जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। आपको बताना है आपके ऑप्शन है ए जैव भौतिक, ऑप्शन बी कृषि रसायन, ऑप्शन सी जैव रसायन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। जीवधारियों में रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए जैव रसायन। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जैव रसायन। जैव रसायन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन बहुलक विटामिन आदि रसायन विज्ञान की किस शाखा के अध्ययन की विषय वस्तु हैं। आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन बहुलक और विटामिन जो हैं वो विज्ञान रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ये अध्ययन की जाती हैं। आपके ऑप्शन है ए जैव रसायन, बी कार्बनिक रसायन, सी कृषि रसायन या डी भौतिक रसायन। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। इसमें सही ऑप्शन बताइए दोस्तों क्या होगा, ए बी सी डी में सही बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन बहुलक और विटामिन्स का अध्ययन करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से ऋणात्मक आवेश होता है, किस पर ऋणात्मक आवेश होता है। आपके ऑप्शन है ए बीटा किरण पर, बी अल्फा किरण पर या सी गामा किरण पर या इनमें से किसी पर भी नहीं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, किस पर ऋणात्मक आवेश होता है, किस किरण पर या किस रेज पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए बीटा किरण पर। दोस्तों ऋणात्मक आवेश जो होता है वो बीटा किरण पर होता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए हीलियम है, बी ऑक्सीजन है, सी नाइट्रोजन है या डी सिलिकॉन है। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों आपको बताना है, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। तत्व आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताएं दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अब आपको दोस्तों बताना है कि मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कौन सा तत्व है। आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी ऑक्सीजन या डी कैल्शियम। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी ऑक्सीजन। जो हमारे शरीर है उसमें जो सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए बीटा किरण में, ऑप्शन बी अल्फा किरण पे, ऑप्शन सी एक्सरे किरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किसमें किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं, बीटा किरण के या अल्फा किरण के या एक्सरे किरण के या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए बीटा किरण। बीटा किरण के उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि हीरा तथा ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं, धात्विक कार्बन के अपरूप हैं या अधात्विक कार्बन के अपरूप हैं या यौगिक हैं या मिश्रण हैं? बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए दोस्तों हीरा तथा ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं, ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए दोस्तों इसमें से सही कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी अधात्विक कार्बन के अपरूप हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट जो हैं वो अधात्विक कार्बन के अपरूप हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि लोहे पर जो जंग लगती है वो किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है अनाक्सीकरण का, या बी बहुलकीकरण का, या सी आक्सीकरण का, या डी जस्तीकरण का। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? लोहे पर जो जंग लगती है वो किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन अगले किसी एग्जाम में मतलब अन्य एग्जाम में पूछा गया है कि लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका भार घटता है कि बढ़ता है कि या मतलब परिवर्तन होता है कुछ भी। तो दोस्तों जो लोहे पर जब जंग लगेगी तो उसका भार बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी आक्सीकरण। आक्सीकरण लोहे पर जंग लगना एक आक्सीकरण प्रक्रिया है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऑप्शन बी प्लाज्मा अवस्था, ऑप्शन सी ठोस अवस्था, या ऑप्शन डी गैसीय अवस्था। बताइए दोस्तों में कौन सा सही ऑप्शन होगा? आपको बताना है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं वो अवस्था कौन सी होती है? बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में जो परमाणु हैं वो आयनित होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए अवकरण, ऑप्शन बी अम्लीकरण, ऑप्शन सी आक्सीकरण, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जो प्रवृत्ति है वो अवकरण कहलाती है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है उसे उपधातु कहेंगे या धातु कहेंगे या तत्व कहेंगे या यौगिक कहेंगे। बताइए दोस्तों उस मतलब उसे हम गुण को क्या कहते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा इसका भी सही ऑप्शन नंबर ए ही होगा, उपधातु उसे हम कहेंगे। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे उसे हम उपधातु कहेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, या ऑप्शन सी उपधातु कहेंगे या उसे धातु कहेंगे। आपको बताना है दोस्तों वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से उस समय क्या प्राप्त होता है? आपको बताना है तो बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? यौगिक कहेंगे उसे या मिश्रण कहेंगे, या फिर उपधातु प्राप्त होगी या धातु प्राप्त होगी? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी मिश्रण उसे कहेंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा बी मिश्रण। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है इस कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ब्रोमीन, बी पोटेशियम, सी टाइटेनियम, या डी सल्फर। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, कौन सा अधातु तत्व है? दोस्तों कंफ्यूजन मत होइएगा, अधातु मैंने पूछा है, धातु नहीं पूछा है कि तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाएगा। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रोमीन। चलते हैं दोस्तों अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है कि आप ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर दीजिएगा, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा तब इसका आंसर दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा। दोस्तों आपको बताना है कि कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों को का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने को क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं
और कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है। आपको बताना है उस विधि को क्या कहेंगे। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन आंसर बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों उसे हम कहेंगे भाप आसवन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों चल ये हमारा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इसका दोस्तों इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। ए नाइट्रोजन होगा, बी ऑक्सीजन होगा, या सी हाइड्रोजन होगा, या डी पारा होगा। दोस्तों यहीं पे हमने वीडियो को इन क्वेश्चन को यहीं पे छोड़े जा रहे हैं। आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करते रहेंगे और आने वाले टाइम में आपको एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।